मुझे देख के इतना अफसोस हो रहा है कि बेचारी ने इतना टाइम वेट किया एंड पे बच्चे बेचारी का, और ऊपर से पहली दफा इसने बच्चे हमारे पास दिए थे, और वैसे भी पहली दफा दिए थे तो वो भी बच्चे दोनों मरे हुए, अभी बाल शाल नहीं बने हुए थे, सिर्फ 10 दिन का और इंतजार था, सिर्फ 10। मैं जी इस टाइम आ गया ना मैक्सी के पास ही बैठ गया, मैं थोड़ी देर बैठ गया, मगर दुख बहुत हुआ आज ना, कि यानी कि समझ नहीं आ रही कि इतना टाइम वेट किया, बिल्कुल 10 दिन रहते थे, बिल्कुल अब तैयार था, यानी कि ना पता था कि थोड़े दिन रह गए इंशाल्लाह बच्चे इसके हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक हो गया आपका मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। तो यार जिसने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, जल्दी से जाओ जाकर पहले चैनल को मेरे कर दो सब्सक्राइब, ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन भैया आप तक पहले पहुँचे। बाकी यार आज सुबह सुबह ऊपर उठ के आया हूँ, आज बहुत ही ज़्यादा ना अफसोस हो रहा है मुझे। अभी मैं सोया हुआ था तो मुझे अबू ने नीचे आवाज़ दे के उठाया, अबू पहले आ गए थे ऊपर, वो आगे जानवरों वगैरह को देख रहे थे, तो मुझे बताया कि भाई मैक्सी जो है ना, मैक्सी की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई हुई है। तो मैं सोया रहा, मैं उस टाइम भी नहीं उठा, अभी तकरीबन टाइम हो गया अभी 10 बजे का। तो खैर करते कराते मैं ऊपर आया हूँ, तो भाई उसने जो है ना, हमारी मैक्सी ने मरे हुए बच्चे बेचारी ने दे दिए, तो बहुत ही दुख हो रहा था, बहुत ही अफसोस। इसके बच्चे देने में सिर्फ रह गए हुए थे 10 दिन, और आज जो है ना 10 दिन पहले इसने ना बच्चे दे दिए और वो भी मरे हुए दिए, तो बहुत ही अफसोस हुआ बेचारी का, इतना टाइम वेट किया। पिछले व्लॉग में भी आपको मैंने दिखाया, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि मैक्सी की जो है ना तबीयत थोड़ी डाउन हुई हुई है, मगर वो इतना नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा। तो बहुत ही अफसोस हुआ मेरा, तो ना दिल बहुत ही ज़्यादा, मैं पहले ही कहता हूँ कि कुत्ता वगैरह बिल्ली रखो बहुत दिल को कुछ होता है, तो अब मैक्सी को भी थोड़ा टाइम अपने पास रखेंगे, थोड़ी सी सेट होती है तो इसको भी दे देंगे, और मगर ना बहुत अफसोस हुआ है। मैं सुबह आया ही हूँ, आपको सब पता नहीं लग रहा होगा कि कितना मुझे इस टाइम ना दुख हो रहा है कि मेरे पिछले दिनों बत्तखों के बच्चे भी मरे, मैक्सी के भी मर गए, और काफ़ी नुकसान होता रहा है, मगर कोई नहीं, अल्लाह पाक की मर्जी जैसे, मगर बहुत दुख होता है इन चीज़ों का ना सारों का। तो अब मैं चल के जी आपको ना दिखाता हूँ, इसके बच्चे जो है ना अंदर ही पड़े, मगर अभी थोड़ा सा ना मुझे डर सा लग रहा है कि कहीं आगे से ना ये बेचारी काटे ना बच्चे दिए हुए हैं। पिछले ब्लॉग से ही मैं देख रहा था, मैं क्या नाम लेते हैं, मुझे लग रहा है वो देखें मैक्सी वो, तो ये देखें बेचारी का, वो अपने बच्चों को चाट रही है, कितना बेचारी का अफसोस हो रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा। तो मुझे देख के इतना अफसोस हो रहा है कि बेचारी ने इतना टाइम वेट किया एंड पे बच्चे बेचारी का, और ऊपर से पहली दफ़ा इसने बच्चे हमारे पास दिए थे, और वैसे भी पहली दफ़ा दिए थे तो वो भी बच्चे दोनों मरे हुए, अभी बाल शाल नहीं बने हुए थे, सिर्फ 10 दिन का और इंतज़ार था, सिर्फ 10 दिन बाद जो है ना ये बच्चे पूरे टाइम पे हो जाने थे। वो बेचारी अभी भी उनको चाट रही है, प्यार कर रही है, ओए 2 बच्चे कितने बेचारे छोटे छोटे हैं, उनको पकड़ के बैठी हुई है, प्यार साफ कर रही है। चलें कोई नहीं, अल्लाह पाक की मर्ज़ी, जो मंजूर था अल्लाह ताला को वो हुआ है, छोड़ देते हैं इसको, अब बाहर हो जाते हैं पीछे इसको। मैं जी इस टाइम आ गया ना मैक्सी के पास ही बैठ गया, मैं थोड़ी देर बैठ गया, मगर दुख बहुत हुआ है आज ना, कि यानी कि समझ नहीं आ रही कि इतना टाइम वेट किया, बिल्कुल 10 दिन रहते थे, बिल्कुल अब तैयार था, यानी कि ना पता था कि थोड़े दिन रह गए इंशाल्लाह बच्चे इसके हो जाएंगे, तो पूरे पूरे टाइम पे फिर एक ही बात बंदे के जहन में आती, कोई नहीं अल्लाह पाक की मर्ज़ी, जैसे हो वही हो, क्योंकि मरे होंगे तो बंदा जिंदा नहीं ना कर सकता बेचारों को। बैठी हुई है मैक्सी बेचारी को पता नहीं, पता है कि नहीं पता किसके बच्चे मरे हुए हैं, मेरे ख्याल से इनको बेचारों को पता लग जाता है जानवरों वगैरह को पहले, वो मुर्गी को देख रही है, वो यहाँ बैठी हुई है बेचारी, मासूम सी हो गई आज मैक्सी का। मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, मैं कहा मैक्सी जो है ना हमारी बेचारी, ये ढीली ढीली हुई हुई है काफ़ी, ये बीमार सी लग रही थी, मगर वो गौर ही नहीं किया तब पता नहीं लगा, तो बेचारी 2 दिन पहले बीमार हुई, थोड़ी सी ढीली सी हुई थी, तो अब माशाल्लाह कल ठीक थी बिल्कुल ना, इसको खिलाया पिलाया सारा, रोटी वगैरह इसके लिए जो पंजे वगैरह लेके आते हैं वो इसको डालें, खिलाया सारा कुछ, शायद पंजों से या पता नहीं क्या, मगर समझ कुछ भी नहीं आई। मैक्सी बेचारी बैठी हुई है आराम से, बच्चों को उसने ना अपने पता नहीं मेरे ख्याल से कपड़े के नीचे घुसा दिए, हाँ उसने कपड़े के नीचे अपने बच्चों को ना घुसा दिया, उसका भी कपड़ा आगे डाल देते हैं, मैं अब जरा थोड़ा ना इसको छोड़ते हैं, थोड़ा बेचारी को भी कपड़ा इसको ना आगे से कवर कर दिए, अभी वहाँ पे बैठी रहेगी, सर्दी वगैरह ना लगे इसको ना बेचारी को, कुछ हवा वगैरह ना लगे। बाकी जानवरों वगैरह को भी ज़रा नज़र मारे परिंदों को, पिछले व्लॉग में ही आपको दिखाया था ये बर्ड्स का जो है अलहदा बन गया माशाल्लाह, अभी ऊपर वाला जो केज है वो खाली है, वहाँ पे कॉकटेल्स आने हैं, नीचे फिंचिस हमारी इस टाइम खुश हैं, भागी फिर रही हैं, दाना वगैरह डला हुआ इनको, वो देखें इसमें ज़रा वो खुश हो गई हैं, थोड़ा बड़ा केज है ना, बीच में फ्लाई वगैरह सही कर लेती हैं, भागी फिरती हैं,
और ये हमारे ऑस्ट्रेलियन नीचे, वो भागे दोनों कुछ के अंदर घुस के नीचे बटेरे होते हैं, बटेरियों का तो आपको पता ही है, ये बड़े टाइम से मेरे पास ही है। और इसके अंदर तीनों बैठे हुए हैं, एक वाइट, तीनों कलर्स में हमारे पास है, एक ब्राउन और एक वो हल्का येलो था। और दूसरा केज जो आपको कल दिखाया था, इसका भी थोड़ा काम हो रहा था, ये भी कंप्लीट हो गया है। ये इसको थोड़ा सा ना सीधा वगैरह करना था, तो इसके अंदर जो है ना मैंने अपना वो कबूतरों का एक पेयर रख लिया मैं, कि चलो बाकी तो खुले ही रहते हैं, वो ऊपर बैठे हुए हैं वो देखे, और इनको मैं कहा चलो इनको जरा नीचे रख लेते हैं अपने केज के अंदर ना। वो बेचारी का दाना, वो ये बेचारी जख्मी थी, माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, बिल्कुल ठीक हो गई, पर वगैरह नहीं निकाल रही है अपने, पहले बीमार बीमार सी रहती थी, अब ठीक है। मैक्सी बेचारी जी बहुत गरीब सी आवाज़ें निकाल रही है, वो बैठी हुई है, वो साइड से मुंह निकाल के बेचारी बैठी हुई है, पता नहीं बेचारी को कितना इस टाइम दुख हो रहा होगा कि इसके बच्चे मर गए हैं। सिर्फ 10 दिन, और 10 दिन बाद अगर ये बच्चे दे देते तो बच्चों को कुछ भी नहीं होना था। फिर वही बात, अल्लाह पाक की मर्ज़ी, जैसे होता है वही होता है। वो देखें जी, उसकी आंखें बेचारी की गीली हुई हुई हैं, बहुत ही ना दुखी होकर बैठी हुई, ऐसे लग रहा है आंसू आंखों में आए हुए हैं। और मैं थोड़ा सा साइड पे जाता हूँ, फिर आवाज़ें निकालती है, कर चीख रहती है बेचारी ना, जीबो गरीब। बेचारी मैक्सी हमारी, इतनी प्यारी मैक्सी थी, खेलती रहती थी हर टाइम, यानी कि बस खेल कूद में लगी रहती थी, और आज बेचारी ऐसे उदास सी होकर बैठी हुई है, बड़ा दुख हो रहा है इसको देख के। आज ना सुबह सुबह भी तो मैं तो उठ के आया ही था, तो मुझे ना सुबह सुबह ये खबर मिली, मैं आएगा बेचारे बच्चे उसके मर गए। बाकी जानवरों को देखेंगे आप, दूसरे जानवर भी दिखा देते हैं, उनके साथ तो जो होना था वो हो गया, अल्लाह पाक की मर्जी। थाई मुर्गा आज फिर बाहर आ गया, वो मुर्गी जो अंडे से फारक करा दिया ना, इसको उठा दिया, इससे कहा था कि सर्दी अब थी, तो इसके बच्चे हमने ना वाइट मुर्गी के नीचे ही कर दिए थे, वो भी आजकल में इंशाल्लाह निकलेंगे अंडों में से ना बच्चे। और बाकी इस टोकरे के अंदर तो आपको पता ही है कौन होता है, वो मुर्गी होती है और उसके बच्चे होते हैं, उसके बच्चे इस टाइम नीचे घुसे हुए सारे, वो एक निकला बाहर, वो उधर से सारे निकल रहे हैं अब। और ब्राउन मुर्गी जो है इधर पानी में बैठ गई पागल, ठंडी जगह पे, ठंडी जगह पे इधर बैठी हुई है। ये केज जो हमारे से पहले वाले, ये जरा अब क्या नाम लेते हैं इनको अंदर रखने लगे, क्योंकि बाद में दोबारा जानवर वगैरह लाने होते हैं, फिर मौके पे कोई मिलता ही नहीं, गए सारे ढूंढते रहो कभी किसी से, कहीं भी नहीं मिलते, तो इनको साफ करके ना अभी रखते हैं, क्योंकि इनमें भी कोई जानवर वगैरह रखने की पड़ जाए नहीं ज़रूरत ना। और बाकी अंदर का जरा आज आपको ना बाहर से बस ओवरऑल व्यू दिखा देता हूँ। कमांडो अंदर खड़ा है सही माशाल्लाह, वो भी सेट है, बकरी और बथरे छतखें वो चेक करें जी। सफ़ेद मुर्गा तो आज अंदर आ गया, क्योंकि आज थाई को बाहर निकाला, वो इसको मारता है। बकरी बेचारी पता नहीं किधर, वो देखें वो सामने खरगोश का बच्चा भी बाहर निकल रहा है, वो अंदर भाग गया, और बकरी भी आ गई हमारी पास माशाल्लाह, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आज का भी व्लॉग जो है ना बस इतना ही, इसको करते हैं ख़त्म, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको कल के व्लॉग में। और जब दुआ करें जी कि जानवर वगैरह सारे अपनी खैरियत से रहें, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में रहें, और बकरी भी भागे माशाल्लाह सोने लिए, अल्लाह खैर करे उसका भी सही तरह सूझे, और मैक्सी को भी अल्लाह ताला सब्र दे, आमीन। कुत्ता वैसे ही सब्र वाला जानवर होता है। तो मिलेंगे आपको कल अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसने अभी तक नहीं किया।